हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का दिन जो है वो संडे है, और तारीख जो है वो 19 तारीख है। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं सुबह सुबह ही सब्जियां काटने लगी, क्योंकि आज जल्दी काम हो गया था। मैं जल्दी उठ गई थी तो काम भी जल्दी हो गया था। घर के सारे काम करने के बाद से, झाड़ू पोछा सब करने के बाद से, मैंने सोचा कि चलो आज डायरेक्ट मैं खाना ही बना देती हूँ। और कोई नाश्ता नहीं आज बनाने का मूड हुआ, बस मूड हुआ कि चलो आज खाना ही बना लेते हैं। तो अभी मैं भिंडी और आलू की सब्जी भुजिया बनाऊँगी। तो सब्जी जो है वो कट गई है, फिर मैंने सोचा कि आज चलो भिंडी की सब्जी और पराठा बना दूँगी, नाश्ता करा दूँगी बच्चों को। और दाल फ्राई, चटनी और चावल वगैरह जो रहेगा वो लंच में काम आ जाएगा। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और पहले मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, फिर मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, और ये मेथी दाना है 1/2 चम्मच। फिर मैंने इसमें हरी मिर्च कट करके डाली है। वैसे भिंडी में हम ज़्यादा हरी मिर्च खाते हैं, आपको जितना चाहिए जितना तीखा उस हिसाब से आप डाल सकते हो। और जब ये थोड़े से हल्के से ब्राउन हो गए हैं, तो मैंने इसमें आलू जो मैंने पतले पतले काटे थे ना फिंगर चिप्स की तरह, तो वो मैं डाल के पहले इसे मैं फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल लाल कलर का कर लूँगी, फिर मैं इसमें भिंडी डालूँगी। और इधर मैं दाल फ्राई की तैयारी कर रही हूँ, तो तड़के में मैंने लहसुन मिर्च जीरा डाला है, और दूसरे साइड में मैं सब्जियों को भी चला रही हूँ। और अभी जब मेरा जो तड़का था वो ब्राउन हो गया है, तब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, बारीक कटी हुई प्याज है ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज जो है भुन गई है, तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी जो लाल मिर्च आती है वो डाल दी है, और टमाटर डाल के इसे मैं चला के ढक के रख दूँगी कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और फिर मैंने भुजिया में हल्दी पाउडर और नमक, एक्स्ट्रा कोई मसाले मैंने नहीं डाले हैं, बस यही डाल के आज मैं भुजिया बना लूँगी। आज कुछ सादा सादा खाने को जी कर रहा था, तो इसीलिए मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला, और बस उसे भून के निकाल दूँगी। और इधर देखिए दाल फ्राई के लिए टमाटर जो है वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, और अब मैं इसमें जो है दाल डाल दूँगी, और हींग डाल दूँगी, गरम मसाला डाल दूँगी, जो अशोक का मीट मसाला आता है वो मैं डाल देती हूँ, और बस उसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। और हरी धनिया नहीं थी इसलिए मैंने हरी धनिया नहीं डाला, अगर आपके पास अवेलेबल हो हरी धनिया तो आप डाल सकते हैं इसमें। और मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है, और दाल जो है फ्राई हो गई है तो उसे मैं निकाल लेती हूँ। और दूसरी तरफ भिंडी की भुजिया में प्याज डाल दूँगी। मैं स्टार्टिंग में प्याज नहीं डालती हूँ, बाद में ही डालती हूँ, इससे जो प्याज है वो जलती नहीं है। और पराठा सेक ले रही हूँ, और बच्चों को फटाफट से मैं नाश्ता दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप सभी को जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरे वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड्स में शेयर करिए, और प्लीज़ फुल वॉच किया करिए मेरे वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए ही करती हूँ ये सारी मेहनत। आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कि रुपेश ना चटनी पीस रहा है, दिखाओ, ये शर्मा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से, छवि हटो तो उजाला नहीं आ रहा, यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखिए ग्लास में टमाटर, छवि थोड़ा हटो, उजाला नहीं आ रहा है, टमाटर मिर्च और क्या है लहसुन नमक, इस सब को लेके ग्लास में बेलन से ऐसे ऐसे करके ये कूट के चटनी तैयार कर रहा है। दिखा दो रुपेश कैसे बना रहे हो चटनी इस तरह से। और ये देखिए हस्बैंड पपीता लाए हैं, तो मैं अभी पपीता काट के खाऊंगी और आप लोग को भी खिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लंच लग गया हमारा, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। ये है चावल, रोटी, टमाटर की चटनी जो रुपेश ने बनाई है, और ये दाल फ्राई है, बहुत टेस्टी लगता है ये दाल, और आलू और भिंडी की भुजिया है, और मैंने मूली रख दिया है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए सिंदूर जो है यहाँ फैला हुआ है, तो सिंदूर लगाती हूँ ना तो हाथ ऐसे पोंछ लेती हूँ, इसलिए इधर उधर लग जाता है। अभी बाल भी देखिए मेरे सूखे नहीं हैं। और अभी मैंने लंच दे दिया है हस्बैंड को करने के लिए। अब मैंने तो नाश्ता सुबह ही कर लिया था, सुबह का मतलब वही 11:30 बजे मैंने भी किया था, और हस्बैंड को अभी दे दिया है। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, सर्दी हुआ है। और ये देखिए बारिश हो रहा था, तो बारिश बहुत हो रहा था, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी, पर 2 दिन से बहुत कड़ा धूप हो रहा है तो गर्मी लग रही है। और अभी मैं चलती हूँ पपीता काटने, तो मैंने सोचा कि मैं पपीता
कट करके सबको दे दूँ। बाकी लोग तो खाना खा रहे थे तो मैं कट कर लेती हूँ पपीता। छवि चक्कू कहाँ रखी हो छवि? अच्छा फ्रेंड्स, बच्चों ने गेम खेलने के चक्कर में और फ़ोन का सेटिंग जो है कैमरे का इधर उधर कुछ कर दिया है, तो इसलिए साफ साफ वीडियो जो है वो नहीं बन रहा है। मैं काफ़ी परेशान हूँ और अभी मैं ठीक करवा लूँगी उसे। अब प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा जो थोड़ा क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। और ये देखिए मैंने पपीता जो है छील लिया, अभी मैजिक आप देखिएगा। ये देखिए पपीते के अंदर एक भी बीज नहीं थे, मैं भी हैरान थी कि एक भी बीज नहीं है। अच्छा छवि ने तो प्लान बनाया था कि मैं इसके बीज को, एक प्लांट खाली है ऊपर ना, तो वो सोच रही थी उसमें ग्रो करेगी, पर वो भी हैरान थी। तो हम सभी ने पपीता जो है वो खा लिया और हस्बैंड अभी खाना खाए थे तो वो थोड़ी देर बाद खाए हैं। ये देखिए इवनिंग का समय है और मैं बना रही हूँ उल्टा बच्चों के लिए। अभी नाश्ता करा दूँगी, बाद में डिनर बनाऊँगी। तो और आज मैंने फिर से नाइटी में ब्लॉग शूट करना शुरू कर दिया। ये देखिए अच्छा नहीं लगता नाइटी में, पर क्या करूँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इसलिए। तो ये देखिए यहाँ बन रहा है उल्टा। और अभी मैं जा रही हूँ रुपेश को देने, उसे दे देती हूँ। उसका प्लेट जो है ना वो खाली हो गया है, ये मैंने निकाल लिया। अब मैं इसे रुपेश को दे देती हूँ क्योंकि रुपेश के पास जो है ना वो नहीं है, छवि के पास अभी है प्लेट में। ये रुपेश के बच्चे जो है उल्टा खा रहे हैं, रुपेश के प्लेट में इतना है। रुपेश यहाँ इसका फेस देखिए कैसे खा रहा है, वाह। और छवि के प्लेट, छवि ढेर सारा लेके, छवि ढेर सारा लेकर के बैठी है ना, ये देखिए इसी चेयर पे लोग बैठ के खाएंगे, दूसरी जगह नहीं खाएंगे। और कैसा बना है बताओ जल्दी से दोनों। और हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बारिश की वजह से देखिए कितनी ज़्यादा रात हो गई है। रात इतनी हुई नहीं है पर रात ज़्यादा लग रही है। ये देखिए अभी हो रहे समय के जो है ना 8 बजने वाले हैं। तो अभी मैं बना लेती हूँ इसके, क्या हुआ? ओ मेरी लाडली मुझे खिला रही है, यम्मी यम्मी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, तो गुड नाइट।